नमस्कार मित्रों, केजीएम क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एलटी टीचर का मैंने एक कट ऑफ तैयार किया है, वो जो कि काफ़ी सर्वे के बाद हमने इस तरह का नतीजे पे पहुँचे हैं। तो मित्रों, सर्वे इस तरह से हमने किया है कि जैसे जो हमारे कुछ परिचय में यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना चैनल बनाए हैं, उनके उन पर जो कमेंट आए हैं कि सर मैंने इतना क्वेश्चन किया है, और जो कुछ और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इलाहाबाद में अच्छी तैयारी करते हैं, उनसे मैंने सलाह लिया तो इस नतीजे पे मैंने पहुंचा है। तो आप देखेंगे एलटी टीचर एग्ज़ाम डेट जो है 29 जुलाई 2018 की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें सोशल का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। एक्चुअली क्या है कि सोशल में 120 क्वेश्चन जो है आए थे, सोशल सब्जेक्ट से आए थे। आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें कोई दो विषय चूज करना था, और जीएस के 30 क्वेश्चन आए थे, टोटल 150 क्वेश्चन थे। उसमें यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर 90 प्लस अगर आप किए हैं तो आपका संभावना बनता है कि आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, और ओबीसी अगर हैं तो आपका 88 प्लस किए हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, और एससी कैटेगरी के हैं तो 85 प्लस पे आ सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो जीएस का प्रश्न था उसमें थोड़ा टफ पूछा था। और हाँ, ये एक बात और है कि यदि आप पॉलिटी और हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटी हिस्ट्री कुछ अच्छा प्रश्न आया था, तो ज़्यादा बच्चे पॉलिटी और हिस्ट्री किए हैं, लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात की जाए तो थोड़ा टफ दिया था। उसके अपेक्षा जो है हिस्ट्री और पॉलिटी आपका कुछ इजी दिया था, तो इस हिसाब से पॉलिटी और हिस्ट्री के स्टूडेंट को ज़्यादा सिलेक्शन होने का संभावना बन रहा है यहाँ पे। तो देखा जाए मित्रों कि जो एग्ज़ाम हुआ है माइनस मार्किंग एग्ज़ाम से, तो माइनस मार्किंग एग्ज़ाम होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कि उनको आंसर थोड़ा डाउट रहा है वो भी जो है टिक कर दिए हैं, तो संभावना बनता है कि यदि गलत हो जाएगा तो मेरिट काफ़ी नीचे आ सकती है। लेकिन फिर ओवरऑल जो हमने ये कट ऑफ तैयार किया है कि जनरल 90 प्लस, ओबीसी 88 प्लस और एससी 85 प्लस, तो लगभग इतने ही कट ऑफ बनने की संभावना बन रही है। और यदि वीडियो ये पसंद आया हो मित्रों तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, मैं इसी तरह का आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा जो कि आपके लिए हमें महत्वपूर्ण है। तो चैनल अगर बनाए हैं आप ही लोगों के लिए तो जरूर से, जाहिर सी बात है कि मित्रों आप लोगों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि अच्छे मैटर्स आपको प्रोवाइड करता रहूं, इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको देता रहूं। और हमारा जो केजीएम क्लासेस चैनल है इस पे आपको अगर कोई जीएस का या कोई मैथ जीएस साइंस तमाम प्रैक्टिस सेट वगैरह और अनेकों मैटर हम डालते रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो मित्रों जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम्स के लिए सहायता प्रदान होगा। इससे नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।